जहां पनपती एकता है। हिरणों के संग शेर भी रहता है, कांटों के साथ फूलों का बाग भी खिलता है। रात को चमकते हैं यहां पेड़ पौधे। एक ऐसा वन है जो हेल्थ के टिप्स भी देता है। ये एकता नगर है साहब, यहां अनेकता में एकता है। गुजरात की जीवन रेखा मां नर्मदा का ये तट, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का साकार स्वरूप सरदार सरोवर डैम स्थित है, और यही एकता की प्रतिमा के सानिध्य में है। एक नगर श्रेष्ठ नगर, एकता नगर, प्रकृति पर्यावरण और पर्यटन का संगम। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने इसकी नींव एक विजन के साथ रखी थी, जिसने विकास की एक नई परिभाषा लिखी। जब देश में पर्यावरण की रक्षा के लिए किसी मॉडल शहर की बात होगी, एकता नगर का नाम आएगा। जब देश में बिजली बचाने के वाले एलईडी प्रकाशित किसी मॉडल शहर की बात होगी, सबसे पहले एकता नगर का नाम आएगा। जब देश में सोलर पावर से चलने वाले क्लीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात आएगी, तो सबसे पहले एकता नगर का नाम आएगा। यहाँ का एकता मॉल, एकता नर्सरी, विविधता में एकता को प्रदर्शित करने वाला विश्व वन, एकता फेरी, एकता रेलवे स्टेशन, ये सारे उपक्रम राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की प्रेरणा है। प्रधानमंत्री जी के नक्शे कदम पर चलते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल लगातार इस विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। गुजरात नाम के इस ग्रोथ इंजन में जुड़ा एक और अध्याय है ये एकता नगर, जहां विकसित की जा रही हैं कुछ नई सुविधाएं भी। यहां पर्यटकों के लिए शुरू की जा रही है ई बसेस की इको फ्रेंडली सवारी। ई बाइसिकल पब्लिक बाइक शेयरिंग सुविधा करवाएगी आने वाले लोगों को खुशियों की सवारी। यहां पार्क में सिर्फ गाड़ियां ही पार्क नहीं होती, ऊर्जा भी पैदा होती है। नए पार्किंग में होगी और 4 मेगावाट सौर ऊर्जा की वृद्धि, और कार पोर्ट्स में सौर ऊर्जा से चार्ज होंगे व्हीकल। घर घर तक पहुंचता स्वच्छ ईंधन एकता नगर की नई पहचान बनेगा। पर्यटकों की सुविधा के साथ पर्यावरण के पोषण का भी ध्यान रखती है ये ई गोल्फ कार्ट। वैसे जितना आकर्षक ये स्थल है, उतनी ही आकर्षक सुविधाएं भी विकसित हो रही है यहाँ। एक तरफ पर्यटकों के स्वागत और मार्गदर्शन के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट विजिटर सेंटर बनेगा, तो दूसरी तरफ ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानकारी देने वाला कमलम पार्क भी आकार ले चुका है। नर्मदा मैया की मंत्रमुग्ध कर देने वाली आरती के दर्शन अब एक क्लिक से दुनिया के किसी भी छोर से हो पाएंगे। पर्यटक हो या विकास, लगातार बढ़ते ही रहते हैं यहाँ। तभी तो यहाँ बना है गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का सहकार भवन। साथ ही यहाँ बन रहे हैं 3-स्टार, 4-स्टार और 5-स्टार जैसी विविध कैटेगरी के 3 होटल्स। साथ ही बनने वाली है ट्रॉमा सेंटर के साथ 50 बेड की क्षमता वाली एक मॉडर्न हॉस्पिटल भी। और हाँ, अब पर्यटकों के लिए होंगे छांव देने वाले वॉकवे, फ्रिस्किंग बूथ्स की कैपेसिटी में हुई बढ़ोतरी, स्ट्रीट लाइट से बढ़ेंगी विजिबिलिटी, सेफ्टी और नेविगेशनल कन्वीनियंस, और ट्रैफिक सर्किल उठाएंगे रोड सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट का जिम्मा। वैसे इस साल ग्रीनिंग ऑफ एकता नगर अभियान के तहत 60 जितनी प्रजातियों के 1.25 लाख से अधिक पौधे भी लगाए गए हैं। यही है वो जगह जहां मां नर्मदा का आशीर्वाद है। एकता की प्रतिमा है, ग्रीन ऊर्जा का संदेश है, जिसे लगातार आगे बढ़ाएगा।
आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के कर कमलों द्वारा एकता नगर में रुपए 160 करोड़ की लागत के विविध कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया।